दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे पूल्स गार्मेंट फैक्ट्री। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, अगर आपको पता चले लास्ट मोमेंट पे आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं और आप उन्हें हॉटेल जैसी कोई ग्रेवी देना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसी ही एक सुपर रेसिपी लेके मैं आपके सामने आई हूँ जिसका नाम है कराची चिकन कराही। तो उसके लिए लगने वाले इंग्रीडियंट्स मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये आधा किलो चिकन है जो मैंने धो के साफ कर लिया है। ये तीन ग्रीन चिलीज है, बड़े वाले जो कम तीखे होते हैं, और ये तीन स्मॉल डार्क ग्रीन चिलीज तीखापन लाने के लिए। टमेटोज, ये मैंने ऑलमोस्ट 3 मीडियम साइज टमेटोज ले लिए हैं। याद रखें, टमेटो आपको बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं करना है और आपको जूसी टमेटोज लेने, बिल्कुल भी कच्चे टमेटो, थोड़ा भी अगर कच्चा रहे तो आपको वो नहीं लेना है, तो आपको ऐसे डार्क टमेटोज लेने हैं। और एक टमेटो आपको 2 स्लाइसेस में कट करना है। ये मैंने 3 मीडियम साइज ऑनियंस ले लिए है और इन्हें स्क्वायर कट कर लिया है इस तरह से। जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली फ्लेक्स, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मिक्स है ये, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, कसूरी मेथी, फ्रेश क्रीम, सॉल्ट। और पैन में ऑयल गरम हो चुका है, अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर लेंगे और फिर इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। अभी हमें चिकन को अच्छी तरीके से इसमें भून लेना है। याद रखिए, गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। एक 2 से 3 मिनट हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अभी चिकन अच्छे से हमने भून लिया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे डार्क ग्रीन चिलीज। ऐसे मैंने बीच में ये स्लिट कर ली है इस तरीके से। अब हम इसमें ये डाल देंगे पुदीने के पत्ते और जो हम लोगों ने ये स्क्वायर कट करके रखे थे अनियंस, ये अनियंस हम इसमें डाल देंगे और 1 मिनट इसे भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी आप देखिए कि मैं टमेटोज इसमें किस तरह से डालूंगी। आपको ये जो टमेटोज है वो इसमें इस तरह से रखने हैं। और इसे अब हमें ढक के 10 मिनट इन टमेटो को स्टीम देनी है, क्योंकि हमें उसकी स्किन निकलने तक ये टमेटो स्टीम करने हैं। अभी हम देख लेते हैं हम टमेटोज गल चुके हैं कि नहीं। यस, अभी हमें इन टमेटोज की स्किन निकाल लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, कितनी आसानी से ये स्किन निकल रही है। इसीलिए आपको 10 से 15 मिनट तक आपको इसे स्टीम देना बहुत जरूरी है,
ताकि टमेटोज की स्किन आसानी से निकल चुके। देखिए हमने सारे टमेटोज की ये स्किन निकाल दी है। अभी कढ़ाई में हम ऐसे बीच में जगह बना के सब टमेटोज जो है बीच में लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमें ये इधर लेके अच्छे से भूनने हैं और टमेटो के जूसेस निकालने हैं। सभी टमेटोज को अच्छी तरीके से स्मैश कर लीजिए बीच में। ध्यान रखें कि जब आप स्मैश करेंगे तब नीचे चिकन ना हो, कि फिर उसके भी टुकड़े बन जाएंगे। अभी ये टमेटोज अच्छे से स्मैश हो चुके हैं। अभी आप कहेंगे कि हम टमेटो की प्योरे भी ले सकते थे, लेकिन वो स्मूथ टेक्सचर इस ग्रेवी में नहीं चाहिए। हमें ये बिल्कुल ऐसे टमेटोज के जो चंक्स है वो इस ग्रेवी में दिखने चाहिए, तभी जाके ग्रेवी का मजा आएगा। टमेटो के जूसेस निकल चुके हैं। अभी हम सारे स्पाइसेस इस कढ़ाई में डाल देंगे। चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, आपके टेस्ट के हिसाब से, जिन्हें तीखा पसंद हो वो ज्यादा डालें, जिन्हें तीखा पसंद ना हो वो कम भी डाल सकते हैं। धनिया जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। अब ये लगभग 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे फास्ट गैस पे। आपको जो फ्लेम है वो फास्ट कर देंगे। देखिए टमेटो के जूसेस और स्पाइसेस की वजह से चिकन को कितना अच्छा कलर आ रहा है, और हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का उपयोग नहीं किया है। बस 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लो। अभी चिकन 2 से 3 मिनट हमारा भून के हो चुका है। अभी हम इसमें ये ग्रीन चिलीज डालेंगे। देखिए मैंने किस तरह से ये स्लिट कर लिए हैं, तो बस आपको इस ग्रेवी में ये ऐड कर देने हैं इस तरीके से, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, और ढक के लगभग 5 से 8 मिनट तक इसे स्टीम देनी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम, इसके वजह से इस रेसिपी को थोड़ा रिचनेस आएगा, और इसे वापस हम भून लेंगे ताकि ये क्रीम अच्छे से इस ग्रेवी में मिक्स हो जाए। वाओ, लुक एट द रिचनेस एंड कलर ऑफ दिस ग्रेवी। अभी लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और इसे वापस भून लेंगे। अभी आपको गैस धीमी कर देनी है, और अभी हम इसे ढक के रख देंगे जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट, क्योंकि कसूरी मेथी का फ्लेवर इस ग्रेवी में आए। तो हमारा कराची चिकन कढ़ाई तैयार हो चुका है। अभी हम इसे सर्विंग बोल में सर्व करेंगे। दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फूड्स गॉर्मे फैक्ट्री। अगली बार अगर गेस्ट आए तो ये रेसिपी बनाना बिल्कुल मत भूलना।